दोस्तों, अगर आप अपने साइड फैट से परेशान है, अपने ओवरऑल बेली फैट से परेशान है और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो और आपकी एब्स मसल्स, ओब्लिक मसल्स और आपकी ओवरऑल बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर लगने लगे, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं, उसी के साथ में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो बहुत तेजी से आपके बॉडी से फैट को काटती है और आपकी मसल्स को भी ग्रो करने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हो, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक एक बातों को मेरी समझना, तभी आप अपने बॉडी से फैट को कम कर पाओगे और सिर्फ कम नहीं कर पाओगे, बहुत तेजी से कम कर पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब भी बॉडी से फैट कम करने की बात होती है तो हमें यह बताया जाता है कि हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना है, यानी जितना बॉडी को कैलोरी की नीड है उससे कम खाना है। ये बातें हम सबको पता है। आप लोगों को मैंने पिछले अपने साइड फैट वाले वीडियो में बताया है कि आपको शुगर बिल्कुल खत्म कर देनी है अपनी डाइट से, मतलब आपको शुगर नहीं लेनी है। इससे क्या होगा कि आपको भूख कम लगेगी, ये आप लोग जान गए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो, आप लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक दिन में 16 घंटे फास्ट रहना होता है और केवल 8 घंटे के अंदर में जो आपको खाना है वो खाना होता है। तो इससे क्या होता है, जब हम 16 घंटे फास्ट रहते हैं तो हमारी बॉडी का जो फैट है वो बहुत तेजी से ड्रॉप होता है। अब क्यों होता है ये भी मैं आपको बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी एनर्जी लेती है और पूरे ओवरऑल जो हमारा दिन होता है उसमें हमारे शरीर में ताकत होती है। हम जो भी काम करते हैं तो उसमें हमें ताकत की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो खाना खा लेने से वो एनर्जी हमें मिल जाती है। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते हैं और 16 घंटे तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी ये सोचती है कि इसे अब खाना नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वो क्या करती है, जो एनर्जी उसने स्टोर करके रखी है फैट के रूप में, जो आपके बेली फैट है, जो आपका साइड फैट है, जो आपकी ओवरऑल बॉडी में फैट है, उसको वो धीरे धीरे निकालने लगती है और उसको वो इस्तेमाल करने लगती है। फिर 16 घंटे फास्ट रहने के बाद जब आप लोग 8 घंटे के बीच में कुछ भी खाते हो, उसके बाद भी आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको निकाल के यूज करती रहती है और आपके जो फैट है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो सबसे पहली स्टेप आपको ये करनी है, अगर आप तेजी से अपना फैट कम करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आज ही से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना कैसे है, मैं आपको सबसे सही तरीका इसका बता देता हूं। अगर आप लोग शाम के 5 बजे से लेके अगले दिन के सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं तो ये आपका पूरा 16 घंटे फास्टिंग हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये हो जाएगी कि 16 घंटे में से 8 घंटे तो आप अपनी नींद में बिता दोगे, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठोगे तो आपको 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है और आपको 9 बजे से कम 1 घंटे पहले यानी 8 बजे आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आपका जो फैट है वो बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। क्या होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है। तो अगर आप लोग सुबह उठ के और एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी तेजी से बूस्ट होगा और आपका फैट ओवरऑल पूरे 24 घंटे तक ड्रॉप होता रहेगा। तो अभी हम एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं जो आपको सुबह 8 बजे करना है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप करना होगा, जिसके लिए रोप स्किपिंग सबसे अच्छी चीज है, रस्सी कूदना। आप लोग थोड़ी देर आप लोग रस्सी कूद सकते हैं, ज्यादा देर नहीं, केवल 1 मिनट आप कूदेंगे तो आपकी बॉडी अच्छा खासा वार्म हो जाएगी। उसके बाद आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे, जो कि है सीटेड क्रंच। देखिए, क्रंचेस हम लोगों ने नॉर्मली सभी ने लगाए होंगे, इस तरीके से कुछ हम सीटेड क्रंचेस लगाते हैं जो कि आपको केवल 45 सेकंड के लिए लगाना है। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं फ्लटर किक। इस एक्सरसाइज में हम कुछ इस तरीके से लेट जाते हैं और अपने पैरों को कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको करना होगा 1 मिनट लगातार करना होगा, तभी आपके ऊपर ये सही से असर करेगी। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज को, जिसको बोलते हैं कमांडो प्लैंक। देखिए, नॉर्मल प्लैंक तो आप सभी ने लगाया होगा, कमांडो प्लैंक हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। इसमें आप लोग को 2 सेट करने होते हैं और दोनों सेट आप जितनी देर तक परफॉर्म कर पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
उसके बाद आते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज पे, जो कि है जैक नाइफ सिटअप। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैक नाइफ सिटअप भी हमारे एब्स मसल्स के लिए, हमारे ओब्लिक्स और हमारे जो कोर एरिया होता है, जो हमारा बेली एरिया होता है, जहां से हमारा साइड फैट और हमारा बेली फैट कम होना होता है, उस एरिया पे ये काफी तेजी से टारगेट करता है। इस एक्सरसाइज को हमें लगातार एक मिनट तक करना होता है। तो दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइजेस और जो मैंने आपको टेक्निक बताई और जो मैंने आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग का तरीका बताया, आप उसको आज ही से अपनाना शुरू कर दो और आप देखोगे कि केवल 7 दिन के अंदर में ही आपकी बॉडी से फैट बहुत तेजी से ड्रॉप होने लगेगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो साइड फैट है, आपका जो बेली फैट है, वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।